हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे थे हम पिछली वीडियो के अंदर, उसी का जो बचा हुआ पार्ट है उसकी रिफाइनिंग किस तरीके से करेंगे ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इससे पहले का पार्ट हम पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना के बारे में बात कर रहे हैं हम अपनी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ टोटली लिख दिया है, डायग्राम भी बना दिया है फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस। अब वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। प्योर एल्यूमिना जो होता है इट मेल्ट्स एट अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर एल्यूमिना होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ऑलमोस्ट अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस, एंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा बैड कंडक्टर होता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो नहीं कर सकती है। इफ क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर इज एडेड द मिक्सचर मेल्ट्स एट 900 डिग्री सेल्सियस एंड Al2O3 बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसको फ्यूज करवा दें एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोस्पार के साथ में इसे ऐड करके, तो इसका जो मेल्ट है वो 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और जो Al2O3 है ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मेटेलिक एल्यूमिनियम इज लिबरेटेड एट द कैथोड। तो जो मेटेलिक एल्यूमिनियम है ये हमें कैथोड के ऊपर लिब्रेट हुआ मिल जाएगा, यानी जो प्योर एल्यूमिना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसे प्योरीफाई करना लिटिल बिट टफ गोइंग रहता है। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर उसे एक फ्यूजन मिक्सचर में कन्वर्ट करवाएंगे, मोल्टन मिक्सचर के अंदर, जिसमें क्या करते हैं हम उसे क्रायोलाइट और फ्लोस्फर के साथ में एड मिक्सचर बनाते हैं उसका, मोल्टन मिक्सचर। और ये 900 डिग्री के ऊपर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ जाता है। तो इससे इस टेक्निक को यूज करते हुए जो एल्यूमिनियम है उसको कैथोड के ऊपर लिब्रेट किया जा सकता है। वो कैसे होता है उसके लिए देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ऑफ मोल्टन मिक्सचर, इसमें देखिए तीन पार्ट होते हैं। कैथोड कार्बन जो होगा वो कैथोड का काम कर रहा है, कार्बन की लाइनिंग करेंगे हम। एनोड जो है ग्रेफाइट रोड्स ऑल्सो एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये ग्रेफाइट रोड जो है वो एनोड का काम करेगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट का काम है वो क्रायोलाइट फ्लोस्फर और Al2O3 का मिक्सचर करते हैं। यहाँ पर मैंने इनका रेशियो भी लिखा हुआ है, 60 पार्ट क्रायोलाइट के, 20 पार्ट फ्लोस्फर के और 20 पार्ट Al2O3 का यूज करना है हमें। यहाँ पर इनको मिला के हम एक मिक्सचर बना लेंगे जो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो मिक्सचर है उसका काम कर रहा होगा। जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी आ जाएगी इस मिक्सचर के लिए, 900 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये इस तरीके की एक सेटअप होता है, आयरन पोर्ट होता है जिसके अंदर कार्बन लाइनिंग की हुई होती है इनर साइड के अंदर, ये दिखा रखी है इसके अंदर। और यहाँ पर जो एनोड है यानी जो ग्रेफाइट रोड होती है, एनोड का काम कर रही है, वो यहाँ पर जो है प्लेस कर दी जाती है। और इसके अंदर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो फिल्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे बता रखा है आपको। तो इस तरीके से पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया जाता है, यहाँ इसे डायनमो के साथ में फिक्स कर दिया जाता है ताकि हमें पता चलता रहे। तो देखिए ये कैथोड का काम कर रही है जो कार्बन लाइनिंग है, ये एनोड का काम कर रहे हैं, और ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर है। जब रिएक्शन स्टार्ट होंगी यहाँ पर तो किस तरीके से होंगी, सबसे पहले जो हमारा क्रायोलाइट है ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaF+AlF3 के अंदर, इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर रहा है इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, हमें AlF3 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। AlF3 को जब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में आप फर्दर रिएक्ट करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Al3 पॉजिटिव के अंदर साथ में 3 फ्लोराइड आयन्स हमें ऑब्टेन होते हैं। अब जो इनकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन है वो स्टार्ट होंगी। एनोड के ऊपर देखिए क्या होगा, जो F नेगेटिव है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूजन आउट करेगा, नेगेटिव साइन लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ के अंदर। यानी एनोड के ऊपर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें चला गया, ये सॉरी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो Al3 पॉजिटिव है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम के अंदर। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ चुका है। तो +3 से अगर 0 के अंदर जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो जाता है और कैथोड के ऊपर जो पूरा एल्यूमिनियम होता है वो ऑब्टेन हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहां से हम इसे इजीली अलग कर सकते हैं। यहाँ पर जो Al2O3 था ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Al के अंदर, और CO2 गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जा रही है। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन तो क्या करना था, एल्यूमिनियम, वही हमें यहाँ ऑब्टेन हो रहा है इन दोनों के अंदर। तो इस तरीके से जो प्योर एल्यूमिना है उसे हम ऑब्टेन कर लेते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को।
यहाँ पर जो ग्रेफाइट रोड्स लगाई जाती हैं ये कंज्यूम हो जाती है, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है चलेगी प्रोसेस, तो धीरे धीरे जो ये कार्बन रोड्स होती हैं, जो ग्रेफाइट रोड्स होती हैं, धीरे धीरे यहाँ पर कंज्यूम होना स्टार्ट कर देती हैं, जिस वजह से क्या होता है ये गायब हो जाएंगी, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती है। तो हमें इन्हें फर्दर अगर यूज़ करना है, अगर प्रोसेस को चालू रखना है, तो उस टाइम पे टाइम टाइम पे हमें इनकी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है, इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस लिखी है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विद हुब्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर दिस पर्पस। जो हुब्स प्रोसेस होती है उसका यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम मेटल की रिफाइनिंग के लिए। जैसे अभी हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेपरेशन टेक्निक पढ़ी थी इससे जस्ट पहले एल्युमिनियम के लिए, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था वो जैसे हेराउट जो प्रोसेस होती है उस नाम से फेमस है, उसी तरीके से ये हुब्स प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जो भी नाम हम लिखते हैं वो साइंटिस्ट के नाम रहते हैं जिन्होंने इन प्रोसेस के बारे में बताया था। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई टफ गोइंग चीज़ नहीं है। तो हेयर थ्री लेयर्स ऑफ फ्यूज मेटल्स आर फॉर्मिंग, यहाँ पर तीन लेयर बन जाती हैं फ्यूज मेटल्स की, कौन कौन सी, बॉटम लेयर, मिडिल लेयर और टॉप लेयर, तीन लेयर बनती हैं, बॉटम, मिडिल और टॉप लेयर। जो बॉटम लेयर होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर और सिलिका जो है ये प्रेजेंट रहता है। जो मिडिल लेयर होती है इसके अंदर फ्लोराइड्स होते हैं एल्यूमिनियम के, बेरियम या फिर सोडियम के, और जो टॉप लेयर होती है उसके अंदर प्योर मेटल प्रेजेंट रहती है, और वहाँ से हम उस प्योर मेटल को जो एल्यूमिनियम है उसे ओपन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब पास आउट करवाया जाता है इसके अंदर, तो जो एल्यूमिनियम है वो फ्यूज मिक्सचर की फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाती है कैथोड पे, और इस तरीके से क्या करती है टॉप के ऊपर आ जाती है। मैं डायग्राम यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं। तो अपर लेयर के टॉप लेयर के ऊपर आ जाता है, वहाँ से हम उसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू जो एल्युमिनियम हमें मिलता है वो ऑलमोस्ट अबाउट 99.9% तक प्योर कंडीशन के अंदर रहता है, प्योरीफाइड कंडीशंस के अंदर रहता है। तो जो एल्युमिनियम ऑब्टेन होगा वो 99.9% तक ऐसा रहेगा, प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा इस प्रोसेस के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक जो है वो बचा हुआ है सिर्फ, बाकी इस यूनिट के अंदर लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। सिंबल क्या होता है इसका, ZN, ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का। ओके, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ये, मेटेलिक जो एलिमेंट है वो है। इसके लिए जो और है जैसे ZnO है, ZnS है, ZnCO3 है, तो इस तरीके के जो ओर्स होते हैं ये वाइडली यूज किए जाते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ जिंक। सेम जैसे हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे थे, कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, वैसे ही जिंक को करना होता है। सबसे पहले इसके जो लम्स होते हैं उन्हें ग्राइंडिंग या फिर क्रशिंग जो प्रोसेस होती है उसमें से पास आउट करवाया जाता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने वहाँ पर मेथड्स यूज़ किए थे, सेम वैसे ही यहाँ पर मेथड यूज़ करने हैं। जैसे देखिए, मान लो अगर हम सल्फाइड ओर लेके चलते हैं, मान लो मैंने ये ओर कंसिडर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे सबसे पहले, इससे कंसनट्रेटेड कर लेंगे और को, उसके बाद क्या करवा देंगे आप इसकी रोस्टिंग, ओके, फिर क्या करवाएंगे स्मेल्टिंग, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर इसके लिए आप जोन रिफाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जोन रिफाइनिंग। अब ये सारी जो टेक्निक है आपको पहले पढ़ा दी गई है, अब तो हम यहाँ पर सिर्फ बताते हैं कि इन्हीं टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं इस ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यूज़ कीजिए या फिर जोन रिफाइनिंग जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होती हैं उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो भी मेथड्स आपने पढ़े हैं वो एक एक करके आप यूज़ करते जाएं, लास्ट के अंदर हमें क्या मिलती है, जो मेटल होगी वो प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन भी सेम रहेगा, बस आपको ये मेन स्टेप्स जो है ये ध्यान होने चाहिए, और इन जो भी टर्म्स मैंने यहाँ लिखी है ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा दी गई है, वो तब क्या बताया था वो ध्यान होना चाहिए बस। तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपका जो ये टॉपिक था, जो ये यूनिट थी आइसोलेशन मेथड्स की, वो कंप्लीट हो गई है, और इसमें एक्सट्रैक्शन तक का यहीं तक आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एक अलॉयज दिए हुए हैं, अलॉयज आपको पता है क्या होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं अलॉयज, वो अगर आप इसमें कन्वर्ट इसमें साथ में देख लें तो अपने टेबल बना के वो, और इसी के अंदर आप पढ़ लें। बस इस यूनिट के अंदर इतना ही है, ये कम्प्लीट हो चुकी है।